आदर्श PDM अगर आज दोबारा बनती है जी, आपके हिसाब से किसको कास्ट करना चाहिए? मैडी और दिया के अलावा आरएस स्टेडियम कोई और नहीं कर सकता नहीं। अगर वो करेंगे तो इससे बड़ी बेवकूफी होगी नहीं। बहुत सारे जो ऑडियंस है उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस भी भेजे हैं, और क्योंकि मतलब नालायक पत्रकार हमारे हमारा नाम है। बस आप सिर्फ अपने आप को नालायक पत्रकार बोल रहे हो, पर बहुत लायक पत्रकार हो यार, क्या रिसर्च मैं थोड़ा सा अंडरप्ले कर रहा हूं, आपको आपको मालूम ही है इस चीज का, लेकिन लोग पूछ रहे हैं अंडरप्ले से। मुझे एक याद आया, माधवन साहब को हर आदमी इंटरनेट पर, पता नहीं आप सर्च करते हो या नहीं, बहुत अंडररेटेड एक्टर कहता है। क्या आपको लगता है आप अंडररेटेड हो? हाँ हूँ मैं। तो फिर ओवररेटेड कौन है? क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो ये था, ये ट्रिक क्वेश्चन था कि आपके हिसाब से ओवररेटेड, आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी है, अगर आपको किसी को कहना हो कि ओवररेटेड है, ओवररेटेड क्या? मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले जो मतलब जितनी भी हिंदी फिल्में फ्लॉप हुई हैं और साउथ इंडियन फिल्में हिट और फ्लॉप हुई हैं, उनमें मैंने देखा है, चाहे वो RR हो, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो KGF हो, चाहे वो पुष्पा हो, बिल्कुल यार इसमें एक्टरों ने कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया और अंडर डिलीवर नहीं किया। ये सारी फिल्म, चाहे वो गंगूबाई हो, सब में एक्टरों ने जान मतलब जी जान देख के वर्कआउट किया है। तो मेरे हिसाब से ना मुझे लगता है कि अंडररेटेड एक्टर्स नहीं है, ओवररेटेड मेकर्स है। मेरे ओवररेटेड राइटर्स होंगे, पर एक्टर्स को मैं कभी नहीं कहूंगा ओवररेटेड। ओके, एक बहुत बड़ा टॉपिक है स्टार किड्स का भी है, आपको क्या लगता है किसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपने देखा? मुझे लगता है कि यार एक स्टार किड होना बहुत तकलीफदायक बात है, मैं बता रहा हूँ बहुत तकलीफदायक है, क्योंकि ना उन सबको लगता है कि यार ये लोग ऐशो आराम में जीते हैं, पर यार एक छाव में जीना हमेशा, अब एक पिताजी के छाव में जीना या अपने माताजी के छाव में जीना और फिर हमेशा उनके साथ कंपेयर होना, एक घर में उनके मानसिक चीज़ों से, घर पे भी जो है ना उनके बीवियां जो आती है जो शादी करके, उनको भी ना कंपैरिजन का हिस्सा बनना पड़ता है। इट्स नॉट दैट इजी। और मैं हमेशा वेदांत को बोलता हूं कि तूने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, तूने एक कंपटीशन जीता है जिसमें तूने गोल्ड मिला, अब ओलंपिक तो बहुत दूर है, तुमसे अच्छे स्विमर हैं तुम्हारी उम्र के इंडिया में जिनके बारे में लोग नहीं जानते, तो तुम उनको मतलब उनको अपने वेबसाइट पे डालो, उनके अपने इंस्टाग्राम में डालो। पर स्टार किड्स जो आप कह रहे हो कि जो बहुत प्रॉमिसिंग है, वैसे तो मुझे लगता है टाइगर श्रॉफ जो है इतना हार्ड वर्किंग, ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार किड्स दैट आई नो। ओके, आप OTT पर भी हो, आपकी फेवरेट OTT अभी जो आपने लेटेस्ट कुछ देखा हो, कुछ OTT पे कुछ रिकमेंड कर सकते हो आप? जी हाँ, मैंने अपने एक मेरे ही डायरेक्टर हैं यानी विक्रम मेहता के डायरेक्टर की प्रोड्यूस की फिल्म तमिल में देखा मैंने, इसका नाम है श्रेयल। अच्छा, और बहुत कमाल की सीरीज है। अच्छा, Amazon Prime पे। हाँ, पर आप काफी देखते हो वैसे, मतलब मूवीज वगैरह लगातार देखते रहते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। और स्टॉकिंग वगैरह करते हो, जैसे आप डीकपल्ड वगैरह में आप चेतन भगत को के पीछे आप पड़े हुए थे, इस तरीके स्टॉकिंग वगैरह? अब ये भी बता दो, मैं टीवी पे आपके सामने मैं पूछ रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे स्टॉक मतलब कोई फेक अकाउंट वगैरह बना, ऐसे लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा। हाँ, नहीं नहीं, मैंने फेक यार मेरा खुद के अकाउंट, मैं हमेशा खुद ही चलाता हूँ, तो जो भी उस पर लिखता है वो मैं ही लिखता हूँ, तो फेक अकाउंट रखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, RS TDM अगर आज दोबारा बनती है जी, तो आप मुझे बताओ आपके हिसाब से किसको कास्ट करना चाहिए? मैडी और दिया के अलावा RS TDM कोई और नहीं कर सकता, अगर वो करेंगे तो इससे बड़ी बेवकूफी होगी नहीं। तो ये तो बाकी सारे रीमेक्स और उसके लिए भी है? नहीं नहीं, रहना तेरे दिल में के हिसाब से, क्योंकि वो जो एक कल्ट हिट हो गई है जिसके, अब भले ही आप 3 Idiots या तनु वेड्समनु किसी और, तनु वेड्समनु भी अच्छी फिल्म है, पर ये रहना है तेरे दिल में जो है, ये सिर्फ 90s किड्स ही नहीं बल्कि मतलब मैं 15-16 साल की लड़कियों से मिलता हूँ जिनको मैडी करते हैं, मेरे को लगता है यार ये ऐसा तो मैं नहीं था कि यार बुढ़े से तो मैं मतलब पिक्चर देख के रोमांस नहीं हो जाएगा मुझे, बट उसका एक कल्ट फॉलोइंग हो गया, हिट नहीं हुई थी लेकिन उस टाइम ये आपने कई बार जिक्र भी किया है इस चीज का, इनफैक्ट उसका म्यूजिक ही नहीं रिलीज किया था क्योंकि उनको लगा था कि म्यूजिक फ्लॉप है और पिक्चर रिलीज होते ही लोगों ने लिख दिया कि यार मैडी मोटा है, फ्लॉप है, सब कुछ कर दिया था उन्होंने, बेचारी दिया मारी गई उसमें। फिर देखता हूँ कि 8 साल बाद तक वो सलाब चली रही है पिक्चर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या रॉकेटरी माधवन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है? Do you think के without a doubt यार, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मतलब ना मैंने तो सब कुछ नछावर कर दिया इस पिक्चर पे, या तो अगर चली नहीं तो मैं इतना पिटूंगा सब बोलेंगे ये बहुत बात करता है स्क्रिप्ट के बारे में, स्क्रीन पे के बारे में, एक्टिंग के बारे इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंट एक्टर है। हाँ, चली नहीं तो सब कुछ जो है कचरे में चला जाएगा, मुझे पता है, मैं और मेरी बीवी बहुत ही नर्वस हैं, तो उम्मीद करते हैं इट वर्क्स आउट।